एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी चाहोगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ जो चैप्टर का नाम है आइडियाज डैट हेल्प मैनकाइंड, जिनके राइटर हैं बर्ट्रांड रसेल, इसका हम लोग हिंदी सारांश यानी कि समरी को देखेंगे, बहुत ही इजी वे में देखेंगे। सबसे पहले बर्ट्रांड रसेल के बारे में जाने, तो बर्ट्रांड आर्थर विलियम रसेल इनका पूरा नाम था, और इनका जो जन्म होता है 1872 में और इनकी मृत्यु होती है 97 में। ए ब्रिटिश फिलोसोफर, हिस्टोरियन, मैथमेटिशियन, एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्म्स, पेसिफिस्ट एंड प्रोमिनेंट रेशनलिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी, वाज ए प्रोलिफिक राइटर। बर्ट्रांड आर्थर विलियम रसेल 1872 में इनका जन्म होता है और 1970 में इनकी मृत्यु होती है। एक ब्रिटिश दार्शनिक, इतिहासकार, गणितज्ञ, समाज सुधारक, पक्षधर, शांतिवादी और 20वीं सदी के एक प्रमुख तर्कवादी, एक समृद्ध लेखक थे। ही इज ऑल्सो आज ए कमेंटेटर ऑन ए लार्ज वराइटी ऑफ टॉपिक। वे कई प्रकार के विभिन्न विषयों के आलोचक भी थे। हिज कमेंट्स ऑन सेक्स, मैरिज, पॉलिटिक्स, रिलीजन, साइंस, साइकोलॉजी, फिलोसफी, सोशलिज्म, एजुकेशन, सिरिस्ट मैक्स, बुद्धा एंड होस्ट ऑफ अदर टॉपिक ऑफ पिटी इज फुल ऑफ किंडम। राजनीति, धर्म, विज्ञान, मनोविज्ञान, दर्शन, समाजवाद, शिक्षा, ईसा मसीह, मार्क्स, बुद्ध और अन्य बहुत सारे विषयों पर उनकी आलोचनाएं अर्थपूर्ण और स्पष्टवादियों से भरी गई। 1950 में रसेल को नोबेल प्राइज से लिटरेचर में नवाजा जाता है। 1950 में रसेल को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन द रिकग्निशन ऑफ हिज वेरिड एंड सिग्निफिकेंट राइटिंग, उनके अलग अलग प्रकार के शानदार महत्वपूर्ण लेखन के लिए, इन द विच ही चैम्पियंस ह्यूमैनिटेरियन आइडिया एंड फ्रीडम ऑफ द थॉट, जिसमें वे मानवीय आदर्शों और विचार की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट नॉन इंटेलेक्चुअल, रसेल्स वॉज कैरिड ग्रेट मॉरल अथॉरिटी। दुनिया के सबसे प्रसिद्ध बुद्धिजीवों में एक रसेल की आवाज़ महान नैतिक जिम्मेदारियों में सजी होती है। ही वॉज ओरिजिनल एंड प्रोवोकेटिव इन हिज एटीट्यूड एंड क्लियर एंड फेसफुल इन द स्टाइल। वे अपने दृष्टिकोण में मूल रूप से असली और अपने शैली में स्पष्ट और ताकतवर थे। आइडिया डेट हेल्प मैनकाइंड, बिफोर वी कैन डिस्कस दिस सब्जेक्ट, इससे पहले कि हम इस विषय पर चर्चा करें, वी मस्ट फॉर्म सम कॉन्सेप्ट ऑफ टू काइंड ऑफ इफेक्ट डेट वी कंसीडर हेल्प। हमें उस तरह के प्रभावों का विचार करना चाहिए जिसे हम मानव जाति के लिए मदद के लिए मानते हैं। क्या मानव जाति की मदद तब होती है जब उनकी संख्या अधिक हो जाए, या जब उनकी संख्या जानवरों की तरह से कम हो जाए, या जब वे अधिक खुश होते हैं, या जब वे अनुभव के अधिक विविधता का आनंद लेना सीखते हैं, या जब वे अधिक जान पाते हैं, वह एक दूसरे के लिए अधिक अनुकूल हो जाते हैं। मैं मानता हूँ कि ये सभी चीज़ें मानव जाति की मदद के लिए हमारे विचार धारणा में आता है, और इन्हीं सब के कारण मैं कुछ प्रारंभिक शब्द कहूँगा। सबसे ज़्यादा जिसने मानव जाति की मदद किया वह है उनकी संख्या। एक समय अवश्य रहा होगा जब मनुष्य एक दुर्लभ प्रजाति होंगे, बहुत कष्टपूर्वक जंगली जीवों से डरकर जंगलों और गुफाओं में रहते थे, और भोजन एकत्र करने में कठिनाई होती थी। उस समय जो उसकी जैविक उपलब्धियों में थी वो उसकी महान बुद्धि थी, जो संचयी थी, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाई गई थी, बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहा था। अपनी कमी लंबी सहस्वस्था के साथ बंदरों की तुलना में अपनी कम फुर्ती और ढंग से विरुद्ध बिना रोएदार आवरण के अभाव में उन दिनों निश्चित रूप से मनुष्यों की संख्या कम रही होगी। उस समय मनुष्यों ने अपनी तकनीकी ज्ञान का जो मुख्य रूप से उपयोग किया कुल संख्या में बढ़ने में, मेरा कोई कतई मतलब नहीं है यह जानबूझकर हुआ था, लेकिन वास्तव में इसका प्रभाव था। अगर यह खुशी बनाने की कोई बात थी तो खुशी मनाने का अवसर है। कुछ विषयों में हम जानवरों को थोड़े तरक्की कर चुके हैं। मैं मुख्य रूप से दो बातों के बारे में सोच सकता हूँ। जन्मजात कौशलों के विपरीत ग्रहण किया गया कौशल, जो मानव जीवन में लगातार बढ़ोतरी में भूमिका निभाई है, और दूसरा पूर्व कल्पना, अधिक से अधिक मनोवेगों पर नियंत्रण किया। इन मामलों में हम निश्चित रूप से जानवरों को उत्तरोत्तर रूप में प्रगति किए हैं। जहाँ तक प्रसन्नता की बात है, मैं आश्वस्त नहीं हूँ। सच है कि सर्दियों में पक्षी बड़ी संख्या में भूख के मर जाते हैं अगर वे परमागन पक्षी नहीं होते, लेकिन वे गर्मियों के इस महान खतरे का पूर्वाभास नहीं कर पाते। उन्हें स्मरण नहीं रहता है कि पिछली सर्दियों में उनके साथ क्या हुआ था। मनुष्य के संबंध में बात इससे उलट होती है। मुझे शक है कि इन सर्दियों 1946-47 में भूख से इतने प्रतिशत पक्षी नहीं मरे हों जितने प्रतिशत मनुष्य भारत और मध्य यूरोप में इस काल में इसी कारण से मरे हों। किंतु भूख से होने वाली प्रत्येक मृत्यु से पहले मानव चिंता में लंबा समय व्यतीत करता है। इसी प्रकार की चिंता पड़ोसियों को छाई रहती है। हम न केवल उन मुसीबतों से पीड़ित हैं जो वास्तव में हम पर पड़ती है, बल्कि हम उन सबसे हमारी बुद्धि में बताती है कि हमारे लिए डरना हो सकता है। हमारी दूरदर्शिता से उत्पन्न होने वाली निरोधक भावनाएं चिंता या सामान्य खुशी की कीमत पर शारीरिक आपत्ति से हमारा बचाव करती है। मैं नहीं समझता हूँ
मेरी पहचान के शिक्षित लोग, जबकि वे निश्चित आय का आनंद भी ले रहे होते हैं। इतनी खुशी है कि जितना भी उन्हें मेज से रोटी के टुकड़े खा रहे चूहे होते, जबकि सज्जन लोग खराटे लेते हैं। और इस विषय में इसी कारण बिल्कुल ही कोई उन्नति नहीं है। जहाँ तक मनोरंजन की विविधता का प्रश्न है, बात बिल्कुल विपरीत है। मुझे याद है कि मैंने कुछ शेरों को वन क्षेत्रों को सफलता के साथ लूटपाट करते हुए फिल्म में दिखाए जाने के बारे में पढ़ा था। उनमें से किसी को इसका कोई आनंद नहीं मिला, कविता विज्ञान का ही नहीं बल्कि फुटबॉल, बेसबॉल, शराब से भी पशुओं ने कोई आनंद प्राप्त नहीं होता। इस कारण हमारी बुद्धि के द्वारा हम निसंदेह उससे अधिक विविधता के साथ मनोरंजन का आनंद ले सकते हैं जितना कि पशुओं को उपलब्ध है। किंतु हमने यह लाभ अधिक निरस होने की प्रवृत्ति की कीमत पर खरीदा है। लेकिन मुझे कहा जाएगा कि मानव के गौरव ना तो संख्या और ना ही उसके आनंदों में गुणोत्तर बुद्धि की वजह से है। यह उसके बौद्धिक एवं नैतिक गुण सुस्पष्ट है। हम जानवरों से ज़्यादा जानते हैं तथा साधारणतः हमारी एक विशेषता मानी जाती है, किंतु यह सभी अर्थों में श्रेष्ठता है और संदेशपद है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, कुछ बात हो, हमें पशुओं से अलग करती है। किन विचारों से मानव जाति की सबसे अधिक सहायता है, इस बात पर विचार करने पूर्व हमें विभिन्न तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए। हमारा संबंध जिन विचारों से है, उनके मुख्य रूप से दो प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। एक जो ज्ञान तथा तकनीक में सहायक, और दूसरा वह है जो नैतिक एवं राजतंत्र से संबंधित है। पहले मैं उन पर चर्चा करूंगा जिनका संबंध ज्ञान और तकनीक से। स्वाधिक महत्वपूर्ण तथा मुश्किल कदम इतिहास के उदय से पहले उठाए गए थे। भाषा का प्रारंभ किस अवस्था में हुआ है ज्ञात नहीं है, लेकिन हमें यकीन है कि इसकी शुरुआत बहुत धीरे हुई है। इसके बिना खोजों और अन्वेषणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो धीरे धीरे पहुँचा, बहुत कठिन रहा। एक अन्य महान कदम भाषा के प्रारंभ के पूर्व पश्चात उठाया गया था, वह था आग का इस्तेमाल। मेरा ख्याल है कि आग का सर्वप्रथम प्रयोग मुख्य रूप से जंगली जानवरों उस समय दूर रखने हेतु किया गया होगा जब हमारे पुरुष होते थे। लेकिन आग की गर्माहट की भी उनको पसंद आई। संभव है कि किसी अवसर पर मांस को आग में फेंकने पर किसी बच्चे को डांट पड़ी होगी, परंतु जब इसे बाहर निकाला गया होगा तो यह पहले से अधिक स्वादिष्ट होगा। इस प्रकार पका केला के लंबे इतिहास का प्रारंभ हो गया। घरेलू पशु खासकर गाय, घोड़े, भेड़ पाल करने में जीवन ही अवश्य ज़्यादा आनंददायक तथा सुरक्षित हो गया। कुछ मानव वैज्ञानिक आकर्षक सिद्धांत रखते हैं कि पशुओं की उपयोगिता पहले से ज्ञात नहीं थी, किंतु लोगों ने उन पशुओं को पालने की कोशिश की जिनकी उपासना करने की शिक्षा उनका धर्म उन्हें देता है। जो जनजातियाँ सिंहों या मगरमच्छों को पूजती थी वो मर गए हैं, तथा वे जो गाय एवं भेड़ों को पवित्र पशु मानते थे उनकी वृद्धि होती गई। यह मत मुझे अच्छा लगता है तथा इसके विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं होने की वजह से मैं इसका प्रयोग करने में स्वतंत्र महसूस करता हूँ। कृषि का आविष्कार पशु पालने से भी अधिक महत्वपूर्ण था, हालांकि इससे धर्म में कई खूनी प्रथाओं का प्रारंभ हो गया था जो शताब्दियों तक चली। मानव बोले तथा नरभक्षण उर्वरता अनुष्ठान में सम्मिलित होने लगे। मुलक तब तक अन्न उत्पादन में सहायक नहीं होगा जब तक कि उसे बच्चा के खून से दावत करने की इजाज़त नहीं दी जाए। उद्योगवाद के शुरुआती दौर में मैनचेस्टर ने एंजल लिकलो ने भी यही विचारधारा अपनाई थी। जब वे 6 वर्ष के बच्चों को 14 घंटे तक ऐसी परिस्थिति में काम पर लगाए रखते थे जिन परिस्थितियों में ज़्यादातर बच्चे मर जाते थे। अब यह ज्ञात हो गया है कि शिशुओं के खून से सोचे बिना भी अन्न उगाया जाएगा तथा सूती सामान भी बन सकेगा। अनाज के विषय में इस खोज में 1000 वर्ष लग गए। सूती सामान के संबंध में मुश्किल से 1 शताब्दी, शायद इस कारण संसार ने कुछ प्रगति की है। पूर्व इतिहास की अंतिम महान खोज थी लिखने की कला, जो वास्तव में इतिहास की पूर्वपेक्षा थी। बोलने की तरह के लिखने के विकास भी धीरे धीरे हुआ। तस्वीरों के माध्यम से सूचनाओं को व्यक्त करने का तरीका शायद उतना ही पुराना जितना बोलना, लेकिन किसी विषय पर बोलना है और क्या बोलना है इस चीज़ को भी सोच समझ के बोला जाता है। ये था हम लोग का हिंदी सारांश। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।